स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। साल विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? ए मार्च का पहला सोमवार, बी मार्च का दूसरा गुरुवार, सी मार्च में एक यादृच्छिक दिन, डी मार्च का आखिरी शुक्रवार। आंसर, डी मार्च का दूसरा गुरुवार। एक्सप्लेनेशन, लोगों में किडनी के स्वास्थ्य और इसके सामान्य कार्य को प्रभावित करने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस 14 मार्च 2024 का विषय है, सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के लिए खरीदे गए 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH का उद्देश्य क्या है? ए सैन्य परिवहन, बी समुद्री निगरानी, सी माल परिवहन, डी यात्री परिवहन। आंसर, ए सैन्य परिवहन। एक्सप्लेनेशन, रक्षा मंत्रालय ने 13 मार्च 2024 को 34 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के साथ 8,073 करोड़ रुपए के दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय सेना के लिए 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH और भारतीय तटरक्षक बल के लिए समुद्री उद्देश्यों के लिए 9 ALH प्राप्त करने के लिए एक सौदे को अंतिम रूप दिया गया है। अगला प्रश्न, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? ए सुखबीर संधू, बी ज्ञानेश कुमार, सी राजीव सिन्हा, डी ए और बी दोनों। आंसर, डी ए और बी दोनों। एक्सप्लेनेशन, लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व नौकरशाहों सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के तौर पर चुना गया है। बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने इन नामों पर मुहर लगाई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग के दो सदस्यों की नियुक्ति करेगी। अगला प्रश्न, भारत के पहले एलिवेटेड 8-लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? ए राजनाथ सिंह, बी द्रौपदी मुर्मू, सी नरेंद्र मोदी, डी अमित शाह। आंसर, सी नरेंद्र मोदी। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन किया। द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें से 18.9 किलोमीटर हरियाणा में पड़ता है, जबकि शेष 10.1 किलोमीटर दिल्ली में है। इसके निर्माण से राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक से निजात मिलेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड 8-लेन एक्सेस कंट्रोल शहरी एक्सप्रेसवे है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? ए त्रिपुरा, बी हिमाचल प्रदेश, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। आंसर, डी अरुणाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की अपनी एक दिवसीय यात्रा के तहत सेला सुरंग का उद्घाटन किया, जो दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल है। ये सुरंग चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा ALC के पास तेजपुर को तवांग से जोड़ती है। सेला सुरंग का निर्माण 13,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा इसका निर्माण किया गया है।